सबसे पहला सवाल सर मेरा अमरेंद्र जी आपसे ही है, क्योंकि आप किसान हैं, आप खेती बाड़ी को बारीकी से समझते हैं, क्या आप मानते हैं कि ऐसा हो रहा है सब्जियों के अंदर, कुछ लोग ऐसा करते हैं? देखिए, जो किसानों की जो आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, जो आपने सवाल पूछा है कुछ मुझे सवाल मिल गया है जी जी, ये जो किसानों का किसानों के स्तर पर होने वाली समस्याएं हैं उसमें बेसिक ये होता है कि जब हम लोग खेत तैयार करते हैं, खेत तैयार करने के बाद में कभी भी जब हम किसी सब्जी को अर्ली लेना चाहते हैं समय से पहले, तो उसमें हम लोगों के साथ समस्याएं होती हैं कि तापमान हमारे साथ उसका सूट नहीं करता है, वो एक तरीके का प्रकृति से हमारा द्वंद्व होता है, तो उस समय हमें दवाएं ज्यादा डालनी पड़ती हैं ताकि कीड़ों से हम उस फसलों की सुरक्षा कर सकें। बाकी जो सब्जियां जैसे टूट जाती हैं, टूटने के बाद जो भी उसमें कलर लगते हैं या उसको दोबारा सूखने के बाद दोबारा फिर कैसे उसको ताजा करते हैं, ये सारा खेल तो किसानों का नहीं है, इसमें किसानों का कोई रोल नहीं है। किसानों का सिर्फ ये रहता है कि हम लोग जब कभी अर्ली किसी सब्जी का अच्छा पैसा लेना चाहते हैं, जो कि जो सीजनल सब्जियां होती हैं उनका रेट किसानों को कम मिल पाता है, तो आदमी ये चाहता है कि हम समय से थोड़ा पहले तैयार कर लें, और जब पहले तैयार करता है तो चाहे वो सर्दियों की फसल हो, ठंडियों में उसमें ज्यादा बीमारियां लगती है, उस समय हमें पेड़ों में ज्यादा बीमारी के लिए दवा डालनी पड़ती है, या जब हम बरसात में फसलों को लगाते हैं तो बरसात में कीड़े ज्यादा लगते हैं, तो उस समय कीटनाशक दवाओं का ज्यादा डालना पड़ता है, लेकिन वो जानकारी के अभाव में अगर उसकी जानकारी सही से प्रॉपर किसानों को मिल जाए या विक्रेताओं को मिल जाए तो वो ऐसे कीटनाशक दिए जाते हैं जिनका असर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, और उस समय पौधा जो होता है हमारा छोटे स्टेज पे होता है, उस समय हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। आपके पास हम लौटते हैं और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अजय शंकर त्रिपाठी चिकित्सा अधीक्षक लोकबंध हॉस्पिटल के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि जो गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, उनको ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं होती। अभी लौकी देख लीजिए, इसमें कितने केमिकल्स पड़े हुए हैं, इस टमाटर को लाल करने के लिए कितना केमिकल पड़ा हुआ है, और ये क्या असर डालता है हमारी हेल्थ पर, इसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि एक मानक तय किया गया होगा कि आप इससे ज्यादा केमिकल या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नमस्कार, देखिए आप लोगों ने जो ये प्रोग्राम आज कर रहे हैं ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है, हम लोगों को तक ये जानकारी पहुंचा पाए, जो कंज्यूमर है उस तक ये जानकारी पहुंचा पाए कि सबसे हमारी प्राथमिकताएं अब बदल गई हैं, क्योंकि प्राथमिकता हमको सही करनी होगी कि सही खाना खाएं, सही स्वस्थ रहें, तो जब प्राथमिकता हमारी सही रहेगी तो चीजें सही आएंगी, और ये इस तरीके का प्रोग्राम आप लोग हमेशा करते रहें, हमारी अपील है। हम लोग के अस्पतालों में तमाम तरीके के बीमारी बीमार लोग आ रहे हैं, जिसमें लीवर, फैटी लीवर हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, ये सारी चीजें, और इसका महत्वपूर्ण कारण ये भी संभव है कि इन्हीं मिलावटी चीजों की वजह से हो रहा हो, जो केमिकल मिले हैं, जो पॉइजन मिले हैं, ये स्लो पॉइजन की तरह काम कर रहे हैं हमारे शरीर को, हमारा शरीर अभ्यस्त नहीं है इन सब चीजों को लेने के लिए, लेकिन जब ये सब चीजें मिलती हैं, लेकिन हमारी जो जैसा हमने कहा कि प्राथमिकताएं बदल गई हैं, हमारे यहाँ आयुर्वेद में और पुराने समय में कहा जाता था कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तो जब निरोगी काया हमारी पहली प्राथमिकता होगी तो हमारी उम्मीदें वैसे ही होंगी और चीजों को वैसे ही होगी, हमको चमक दमक वाली चीजों को, सब्जियां जो चमक दमक वाली चीजें आती हैं, हम जब सब्जी मंडी जाते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं कि जो सबसे ज्यादा शाइनिंग करती हुई चमकदार टमाटर होंगे वही खाना है, जो सबसे हरी वाली भिंडी होगी वही लेनी है, और टूटी फूटी और इस तरीके से चीजों को नहीं खाएंगे तो बिल्कुल यही होना है, हस्र यही होगा, लेकिन जब आप इस तरीके का प्रोग्राम करते हैं जागरूकता फैलती है। हमारा मकसद यही है कि लोग कैप्टन विकास गुप्ता जी, एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि देखिए कई बार इस तरह की खबरें सामने आती हैं, लेकिन क्या आपने देखा एक सरकार या प्रशासन स्तर पर, हमने कभी नहीं देखा कि कोई पहल की जा रही हो, कहीं खेतों का कहीं आपने कोई मुआयना कर रहा हो, लेकिन क्या कोई सरकार के स्तर पर कोई इस तरह की पहल होती है जिससे लोगों की सेहत से जो खिलवाड़ हो रहा है उसे बचाया जा सके? देखिए, ये सारा विषय जागरूकता का विषय है, और ये खासकर जब से पोस्ट कोविड एरा में हम लोग रह रहे हैं उसमें लोगों को थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से इस तरीके के जागरूकता अभियान चलाए नहीं गए हैं, मैंने बहुत बड़े लेवल पर पूरे उत्तर प्रदेश में जागरूकता के अभियान चलाए हैं, मैंने बताया है कि किस तरीके से महानगरों में रहने वाले लोगों को सब्जी जो दी जा रही है वह जहर की सब्जी है, क्योंकि जो भी नदियां हैं, जैसे कि मैं तो नोएडा में रहता हूं, नोएडा में, गाजियाबाद में, और
नोएडा में और दिल्ली में सब तरफ से हिंडन का और यमुना का पानी है, पूरा वो जहरीला हो चुका है। जिस पानी में हम लोग अपने हाथ तक नहीं धोना चाहते हैं, उससे उगी हुई सिंचित की हुई सब्जियां हम लोग खाने पे मजबूर हो रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कंज्यूमर, खासकर जो ग्राहक है जो सब्जी लेने जा रहा है, उसको भी जागरूक होने की जरूरत है कि वो जो वो सब्जी खा रहा है उसके खाने की थाली में जो सब्जियां वो बाजार से खरीद के लेके आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जहर की खेती से होके चलता चला आ रहा है। एक दूसरी चीज और है कि कंज्यूमर में थोड़ी सी कॉस्ट और प्राइस अवेयरनेस बहुत होती है। वो चाहता है कि जो भी सब्जियां हो वो थोड़ा सा कम दाम पे उसको मिल जाए। बहुत सारी चीजें होती वो ऑनलाइन मंगवा लेता है, लेकिन सब्जियां वगैरह मैंने ऐसा महसूस किया है कि वो खुद मार्केट में जाता है और खुद सब्जियां लेके आता है, लेकिन वो उसके सामने सबसे बड़ी जो चॉइस रहती है वो उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है। अगर कोई भी ऐसा किसान जो अच्छी तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से परंपरागत तरीके से या प्राकृतिक तरीके से कोई अपना उत्पाद बना रहा है, तो क्या ग्राहक उस उत्पाद के वाजिब दाम देने को तैयार है? इस विषय पर भी हम सब लोगों को सोचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इस तरीके के कार्यक्रम से ग्राहकों में भी अवेयरनेस आएगी। देखिए, किसान को तो जहां अच्छा दाम मिलेगा, कम उसके इनपुट कॉस्ट होगी, वहां पर वो बेचने का प्रयास करेगा। यहां पर मैं ये मानता हूं कि ग्राहक जो एंड यूजर है, एंड कस्टमर है, उसको जागरूक होने